Hey guys, रूम टाइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँ कैस्पे का स्पाइकी हेयर वैक्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के प्रोडक्ट बेस पे वीडियोस लेकर आता हूं आपके लिए हर बार। दोस्तों आप मुझे मेरे 1000 सब्सक्राइबर के गोल तक पहुंचने में मेरी मदद करिए और मैं आपके लिए हर बार इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लेकर आऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नजर जाती है कैस्पे के कंटेनर की तरफ जो काफी ही हार्ड क्वालिटी में है। इसका प्लास्टिक काफी अच्छा है और दिखने में काफी गुड लुकिंग है। ज्यादातर कैस्पे के जितने भी हेयर वैक्स होते हैं उनके कंटेनर बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, बस कलर का फर्क होता है। दोस्तों वैसे तो कंटेनर का कोई मायने नहीं रखता, बस मायने रखता है इसके अंदर की बात। बात करते हैं अब इसके टेक्सचर की, तो टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैस्पे के स्पाइक स्टैंड अप पावर एंड स्पाइक के टेक्सचर की। तो टेक्सचर इसका कुछ इस तरह से दिखता है, इसमें आपको प्लास्टिक कवरेज मिल जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी सिल्की है, काफ़ी मुलायम है। देखिए दोस्तों, ये आपके बालों से आसानी से निकल जाता है, आपको शैम्पू के ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा आपके बालों से हेयर से आसानी से रिमूव हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप इसको रात को सोने से पहले से अपने हेयर से रिमूव कर दें, क्योंकि ये हेयर प्रोडक्ट है, आपके बालों पर रात भर रहेगा तो बेशक इसमें ख़तरनाक केमिकल नहीं है, फिर भी ये आपके बालों को थोड़ा बहुत तो डैमेज कर ही देगा। तो अब आपने इसका टेक्सचर देख लिया होगा, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ। तो इंग्रेडिएंट मैं आपके स्क्रीन के सामने रख देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों अब आपने इसका इंग्रेडिएंट देख लिया होगा और इंग्रेडिएंट में कोई भी ज्यादा हार्मफुल केमिकल नहीं है इसमें, तो आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं, इससे आपके हेयर को ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपके हेयर वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट है तो ये कैस्पे का ये रेड वाला आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। दोस्तों सेटिंग पावर की बात करें तो इसमें आपको सुपर हार्ड मिल जाता है और इसका शाइन एकदम नेचुरल है, ना ज्यादा शाइन ना लो शाइन, एकदम नेचुरल। दोस्तों बात करते हैं इसकी नेट क्वांटिटी की, तो दोस्तों इसका आपको 75 ग्राम लगभग 180 एमआरपी में मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कैस्पे का पहली बार ये हेयर वैक्स को यूज करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो छोटा वाला कैस्पे का हेयर वैक्स आता है, इसके छोटे क्वांटिटी में आता है, उसको ले और उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बारी में आप 75 ग्राम यूज करेंगे और आपको शायद पसंद ना आए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको मेरा बस यही सजेशन है कि आप बस छोटा वाला पैक ले और उसे ट्राई कर सकते हैं ट्रायल पैक के तौर पर। अगर आपको पसंद आ गया वो प्रोडक्ट तो अच्छा है, आप फिर 75 ग्राम पर जा सकते हैं, और नहीं पसंद आया तो ज्यादा पैसे आपके वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों बात करते हैं कैस्पे के इस प्रोडक्ट के फ्रेग्रेंस की। तो इसकी फ्रेग्रेंस काफी अट्रैक्टिव है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसकी खुशबू ज्यादा तेज भी नहीं है और ज्यादा हल्की भी नहीं है, सिंपल है, मीडियम है। दोस्तों वैसे तो कैस्पे का ज्यादातर प्रोडक्ट जितने भी हेयर वैक्स है वो आपको ऑफलाइन स्टोर में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, फिर भी अगर आपको ये आपके एरिया में नहीं मिलता है ऑफलाइन स्टोर में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मुझे वैक्स को यूज करने में डर लगता है, तो दोस्तों अगर आप पहली बार यूज करने जा रहे हैं हेयर वैक्स को तो आपको हेयर वैक्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो हेयर जेल होता है, जितना अगर आप हेयर जेल यूज करते हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि आपका जो हेयर जेल है उससे ज्यादा सेफ हेयर वैक्स होते हैं, क्योंकि जेल में ज्यादा क्वांटिटी में आपको केमिकल दिए जाते हैं। अगर आप अभी भी यूज कर रहे हैं अपने जेल को तो जरा जेल के इंग्रेडिएंट देख लीजिए, उसमें आपको कई तरह के केमिकल मिल जाएंगे, हार्मफुल केमिकल, गूगल पे सर्च करिए उन्हें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से हार्मफुल केमिकल आपको मिले हैं। तो जो आपके हेयर वैक्स हो गए, नेचुरल क्ले हो गया, उनके जरा इंग्रेडिएंट देख लीजिए, आपको उनमें बहुत ही कम मात्रा में आपको उसमें केमिकल मिलेगा बजाय जेल के।
जल्दी से जाकर अपने जेल के इंग्रेडिएंट को देख लीजिए, गूगल पर सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कितने तरह के केमिकल मिले हुए हैं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेयर वैक्स यूज कर रहे हैं तो आप अपने बालों के हिसाब से हेयर वैक्स लीजिए। आज के टाइम पे सबके पास फोन होते हैं, उसमें इंटरनेट होता है, आप बस अपने फोन में सर्च करिए गैट्सबी हेयर वैक्स, आपको उसकी लिस्ट खुल जाएगी, बस आपको उसी में से अपने बालों के हिसाब से आपको हेयर वैक्स चूज करना है एंड देन उसे बाय करिए, यूज करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक है, और नहीं लगा गैट्सबी का या कोई भी वैक्स, आप दूसरे वैक्स पे आ सकते हैं, लेकिन आप बस बार बार जेल यूज मत करिए, थोड़ा सा वैक्स और क्ले भी, नेचुरल क्ले यूज करिए। तो दोस्तों, अब मैंने आपको गैट्सबी का स्पाइकी स्टैंड अप पर रिव्यू दे दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिसलाइक कर रहे हैं, मेरे वीडियो पर डिसलाइक दे रहे हैं, तो बस एक कमेंट छोड़ दीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद नहीं आया। मैं अगली बार जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको करेक्शन करके आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगा अगली बार। दोस्तों, अगर आप गैट्सबी का स्पाइकी स्टैंड अप पर कुछ पूछना चाहते हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में, इस हेयर वैक्स के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी, तो बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पर मुझे सर्च करिए, मैं आपको मिल जाऊंगा, एंड देन फॉलो बटन को दबा दीजिए वहां पर भी, ठीक है। तो दोस्तों, आप दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ग्रूम प्राइम के साथ। जय हिंद।